शुक्रिया है, हम सभी हर सत्संग में इतना प्यार देते हैं। और मैं आज थोड़े सा जल्दी आई हूँ, फिर भी आप सभी बहुत जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं सत्संग को। बहुत बहुत शुक्रिया है इतना इंतजार करने के लिए। मुझे भी उतनी ही जल्दी होती है कि जल्दी ही मैं सत्संग को लेकर आऊं, हम सभी मिलकर गुणगान करें उस मालिक का। तो चलिए धीरे धीरे सभी आ जाएं, आंखें बंद करके उस भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ सभी आज मेरे साथ सत्संग का आनंद लेंगे। चलिए याद करते हैं उस मालिक को जिसने हमें बनाया है, जो हमारे भीतर है और जो हमारे बाहर भी है। जैसे हमें इतना कुछ बख्शा है, तो जिसे भी जो भी जरूरत है आज के सत्संग में, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए। जो भी हम अरदास लेकर आए, वो मालिक हम सब की अरदास को पूरी करे। और पूरे मन के साथ मेरे साथ गाएंगे सभी। क्या मांगू मैं तुमसे बोले, तुमने सब कुछ बख्शा है। क्या मांगू मैं तुमसे बोले, तुमने सब कुछ बख्शा है। मेरे हिस्से का उसको लेना, धने धने को जो तैसा है। मेरे हिस्से का उसको देना, धने धने को जो तैसा है। दिल दरिया से नीचा सत्संग का अनुभव करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। बिना उस मालिक की मौजूदगी के हम सत्संग को गा भी नहीं सकते और सत्संग को सुन भी नहीं सकते। तो चलिए अपने सद्गुरु के घर आने की खुशी में सभी मेरे साथ गाएंगे पूरे दिल से। सजा दो घर को गुलशन सा,
कि समटाइम्स वी आर स्पीचलेस कि हम क्यों उस मालिक को याद करते हैं जो नहीं दिखाई दे रहा, क्यों उसके गुणगान गाते हैं, क्या मिलता है हमें उसका नाम लेने से, उसे याद करने से, किसी ना किसी स्वरूप में उसे मानने से, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी साईनाथ के रूप में, कभी गुरुजी के रूप में। तो चलिए दिल की बात कहते हैं उस दाता से, उस मालिक से। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारम, बताना बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुम्हें समझाए, तू जाने कहीं जा रहे हो और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास रोड मैप ना हो, हमारे पास जीपीएस ना हो, गूगल मैप ना हो, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी जो गुरु है, ऐसे ही हमें जरूरी है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को मंजिल तक पहुंचाने का जो काम है वो सदगुरु ही कर सकते हैं। तो चलिए उस गुरु की महिमा को गाएंगे पूरे मन से, पूरे दिल से। देखिए मैंने कहीं से सुना तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सबसे भी शेयर करूंगी। सत्संग कोई भी हो, वो छोटा सत्संग या बड़ा सत्संग नहीं होता, जहां पर खुद भगवान विराजमान हो जाए हमें सत्संग सुनवाने के लिए, गवाने के लिए,
तो वहाँ पे चाहे थोड़ी ही संगत क्यों ना हो तो वो सत्संग बहुत बड़ा होता है। जहाँ पर गुरु जी प्रस्थान करके, जहाँ पर उस मालिक की मौजूदगी हो गई, जहाँ पे उसका नाम लिया जा रहा है, चाहे हम दो लोग ही क्यों ना बैठे हैं, तो वो बहुत बड़ा सत्संग ही माना जाता है। बहुत आनंद आ रहा है आप सभी समय निकाल के, हम जितने भी परिवार हैं पूरे दिल से अरदास करेंगे आज सबके लिए और उस गुरु की महिमा को गाएंगे। मौजूदगी के आगे, आपकी खूबसूरती के आगे हम मेरे तुम
इसका जुगान भी नहीं किया जा सकता। हम अवगुण भरे एक गण नाही, हम अवगुण भरे एक गण नाही, हम अवगुण भरे एक गण नाही। देखिए कहते हैं जिसका नाम इतना सुंदर है, जिसकी छवि इतनी सुंदर है, जिसका स्वरूप इतना सुंदर है, जब हम गुरु जी की तरफ देखते हैं, जब हम साईनाथ की तरफ देखते हैं, जब हम अलग अलग रूप में उसको देखते हैं, तो मन ही मन ही आता है कि जिसका स्वरूप इतना सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। जो कनेक्शन हम सबका बन चुका है उस दाता से, उस मालिक से, गुरु जी से, अपने परमात्मा से, तो कहते हैं कि जब वो तार जुड़ जाती है तो जो भी अरदास हम करते हैं वो अरदास कबूल हो जाती है। तो देखिए इतना जो सभी जगह पर हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हो चुकी है पूरी दुनिया में, जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, बहुत दुआओं की जरूरत है उन सबको। तो आज सत्संग में मन ही मन उनके लिए भी जरूर मांगना, अगर खुद के लिए मांगूंगी तो पूरी दुनिया के लिए भी जरूर मांगना। और मन ही मन बहुत गालियां, अब आप सभी मेरा साथ देंगे, मेरे साथ जाएंगे। जय गुरु जी अनु जी, जय गुरु जी एना जी, शुक्रिया आने के लिए सत्संग में।
शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं कभी कभी झुकना भी जो जीवन में जरूरी हो जाता है, जो हमारा मन है वो कभी भी किसी भी हालात के आगे जो अचानक हो जाती है हमारी लाइफ में झुकने के लिए तैयार ही नहीं होता। कहते हैं हमेशा उस मालिक की रजा के आगे सर झुकाएं, तभी आप वो पा सकेंगे जो वो आपको देना चाहता है। देखिए कुछ भी हम जीवन में करते हैं, कुछ भी पाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। हम रोटी खाते हैं, रोटी खाते वक्त भी जब हमने निवाला अपने मुंह में डालना होता है तो थोड़ा सा हम झुकते हैं। जब हमें कोई सम्मान देता है, हमें कोई अप्रिशिएट करता है, कोई मेडल डालता है, कोई हार डालता है, कोई सम्मान देता है, तब भी हम झुक के ही उनसे वो डलवाते हैं हार या जो भी हमें सम्मान मिलता है। जो डालियां होती हैं वो भी जितना उन पे जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, उतनी ही वो झुक जाती है। तो मैं यही बोलूंगी आप सबको कि जितना आप जमीन पर झुकते हैं दुआ करने के लिए, अरदास करने के लिए, उतना ही आप जो आसमानों से भी ऊंचा है वो मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। उतनी ही जो आपकी दुआ है, जो आपकी अरदास है, उतनी ही ऊपर तक, उस एक तक पहुंच जाती है। तो उस मालिक की रजा के आगे हमेशा झुकना सीखें, क्योंकि जो भी वो कर रहा है वो हमारे जीवन के लिए ही है, हमारी भलाई के लिए ही है। तो चलिए उस जो भी हालात आज बन गए हैं दुनिया के, सबके लिए दुआ करेंगे, मालिक से मांगेंगे कि सब कुछ बहुत जल्दी, सब कुछ पहले जैसा, सब कुछ ठीक कर दे और सभी खुशी खुशी अपने जीवन को जी सकें। तो चलिए सभी मेरे साथ मिलकर अरदास करेंगे अपने दाता से, अपने गुरु जी से। Thank you.
हाजिर लगाते हुए सभी मेरे साथ गाएंगे पूरे मन से पूरे दिल से। कुछ भी नहीं कर सकते तो ये दो चीजें अपने जीवन में जरूर लाएं। एक तो उस मालिक पर श्रद्धा, विश्वास कि वो जो भी कर रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, जिसने मुझे बनाया है उसको मेरी ज्यादा चिंता है। और दूसरा सबर यानी कि पेशेंस, हमेशा जीवन में कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तो हमें हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा जीवन क्यों है। जब हम ऐसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन होता है, जो हमारा रिश्ता होता है, तो वो उस मालिक के साथ वैसा नहीं बन पाता जैसा होना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक ऑफिस में क्लाइंट आए तो वो कहते कि हाँ, मुझे बहुत देर बाद भगवान ने बेटा दिया, लेकिन मुझे अब ऐसे लगता है कि कहीं वो मेरे से दूर ना चले जाए। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कहते हो कि बहुत देर बाद ये बेटा मिला है, क्या आपको जिसने उसे दिया है आपको इतनी देर बाद उस पे विश्वास नहीं है, क्या आपको ये लगता है कि आप उसे अपने जीवन में लेकर आए हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ठीक, ऐसे ही मैं आप सबको बोलूंगी, जब भी मन में कोई इनसिक्योरिटी आए, गिल्ट आए, लाइफ में कुछ भी ऐसा हो गया हो कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि तब ऐसा हो गया, आगे भी अगर जीवन ऐसे ही मुश्किलों से भर गया तो कैसे जिएंगे, तो एक बात याद रखना कि आपका जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो डगमगा रहा है। तो जरूरत है उस भाव को, उस श्रद्धा को, उस विश्वास को उस मालिक के साथ दोबारा जोड़ने की। अपने आप को जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे ही वो डिवोशन को, वो भक्ति को चार्ज करने की जरूरत है। और वो ये सत्संग जो होते हैं, जब हम भजन गाते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, इन सारी चीजों से के अलावा किसी भी जरिए उस मालिक के साथ कनेक्शन जो है गहरा नहीं बना सकते। ये सब तरीके हैं उस तक पहुंचने के। तो जरूर अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आप बिजी हो, ये जो कुछ समय जैसे आज आप सभी मिलकर मेरे साथ निकाल रहे हैं, ठीक वैसे ही कुछ समय जरूर निकालें जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आप और आपका मालिक हो, बस, और कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं, कोई पास्ट के रिग्रेट्स नहीं, कुछ नहीं, बस आप और जिसने आपको बनाया है वो।
चलिए आगे चलते हैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए। सुनाने जा रही हूँ आपको, हम सब के जीवन के लिए है ये। जब जीवन में दुखदाया मन में सदा श्रद्धा की ज्योति जला, विश्वास मन का तुझको पार संभालने वाला नहीं है तो ये ना भूलना जो भी आपको सुनाने जा रही हूँ, अपने अनुभव को सुनाने जा रही हूँ आपको। Hari hai zara hai
भजन को विराम देंगे। ऐसे ही गुरु जी हम सबको मिलाते रहे और ऐसे ही हम सत्संग को गाते रहे और आप सुनते रहे और सत्संग का अनुभव जो है वो डिवाइन अनुभव जो है वो लेते रहे। जय गुरुजी कविता जी, बहुत से कमेंट्स जो है मुझे शो नहीं हो पा रहे, तो जितने भी यहाँ पर परिवार जुड़े हैं मैं सबके लिए दुआ करूंगी
कि सबके जो भी मन की भावना है गुरुजी सबकी सुने, जैसे गुरुजी ने मेरी सुनी है वैसे ही गुरुजी सबकी सुने। और वो मालिक जो है हमेशा हम सबको अपनी याद जो है दिलवाता रहे और ऐसे ही हम उसके गुणगान गाते रहे। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ जीवन को जिए और अपने अंदर से वो भाव जो है, वो श्रद्धा जो है, वो विश्वास जो है, वो कभी भी खोने ना देना। चाहे जिंदगी में सब कुछ खो जाए लेकिन एक विश्वास हमेशा रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ वो मालिक है, मेरे साथ वो दाता है। तो हमेशा इस विश्वास के साथ जिए और कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए कभी भी हार नहीं माने। सो जय गुरु जी, आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे आप सबके बीच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।